Hello everybody, my name is Junaid Ahmed and I've got third rank in civil services this year. Mera optional was geography and my educational background, I did my primary education from St. Mary's School, Nagina. Then I went to Aligarh Muslim University, wahan se maine schooling ki thi 12th tak. Uske baad I went to Shahada University, wahan se graduation kiya. And then I started preparing for civil services. 2014 mein I gave my first attempt and this was my fifth attempt. Last year I got 352 rank and this year luckily I've got a third rank. Dusri cheez thi ke kuch log geography optional ke bare mein pooch rahe the mere se. Unhone bola tha ke geography how geography is as an optional. So I want to say that geography aapko kaafi help karta hai GS में भी और optional में भी, क्योंकि major part of paper 1 और paper 3 में काफ़ी geography का part होता है. तो geography के लिए मैं कुछ pros and cons यहाँ पे discuss करूँगा optional के लिए. जैसे कि geography का जो सबसे अच्छी चीज़ें हैं वो ये है, एक तो आपको GS में काफ़ी help करता है geography, वहाँ पे आपको डायग्राम्स और ये सब चीज़ें काफ़ी आप बना सकते हैं और जीएस में मार्क्स ला सकते हैं. मेरा भी जीएस में अच्छा स्कोर रहता था तो एक रीज़न ज्योग्राफी था उसके लिए. दूसरा, ज्योग्राफी में क्या है कि ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग क्या है, अगर आप स्क्रैच से भी स्टार्ट कर रहे हैं तो उस चीज़ को समझना और वो करना बहुत आसान होता है, क्योंकि जो फिनोमिनल्स हैं, जो चीज़ें हैं ज्योग्राफी की, वो आप ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो ये एक चीज़ होती है. दूसरा, कंटेंट आपके पास काफ़ी अवेलेबल रहता है ज्योग्राफी के लिए, कोचिंग्स हों या बुक्स हों, वो काफ़ी अवेलेबल रहता है उसमें. तो ये कुछ प्रोज हैं ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल के लिए. और ज्योग्राफी को लेके क्या है कि कुछ कॉन्स भी हैं, जैसे कि सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड है ज्योग्राफी का, उसको कवर करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो थोड़ा सा इसलिए लगता है कि ज्योग्राफी ले या ना ले. और मार्क्स का इशू है, कुछ लोग सोचते हैं कि पिछले कुछ सालों से, दो तीन सालों से ज्योग्राफी में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो वो भी एक रीज़न हो जाता है कि लोग पूछने लगते हैं कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ज्योग्राफी. बट अगर आप ये प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे तो अल्टीमेटली हर एक ऑप्शनल के यही चीज़ें रहती हैं, कुछ उसके प्रोज होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं. इट डिपेंड्स ऑन योर ओन इंटरेस्ट कि आप उसको किस तरीके से लेते हैं. तो अगर आपको ऑप्शनल सेलेक्ट करना है, आपको चूज़ करना है, तो नॉट ओनली ज्योग्राफी, आप किसी भी ऑप्शनल अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट जो होता है, दैट शुड बी द सोल रीज़न आपके ऑप्शनल सेलेक्शन के लिए. तो आई थिंक कि वहीं पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है. उसके बाद आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स देख सकते हैं और सिलेबस देख सकते हैं. जैसे मैंने अपने ऑप्शनल सिलेक्शन के लिए क्या किया था कि कुछ बुक्स जो थी वो कुछ ऑप्शनल शॉर्टलिस्ट किए थे एंड देन आई स्टार्टेड रीडिंग फ्यू बुक्स. जैसे ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए और पॉलिटिकल साइंस के लिए, ये तीन ऑप्शनल शॉर्टलिस्ट किए थे. तो इसी तरीके से आप भी ऑप्शनल शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, पढ़ के आपको जो ऑप्शनल बेटर लगता है, आप इंटरेस्ट आता है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं. एंड आई एम सेइंग विद माय एक्सपीरियंस कि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से है या कोई ग्रेजुएशन में मार्क्स कम है या किसी का एकेडमिक्स इतना अच्छा नहीं है या कोई भी चीज़, ये कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं है इस एग्ज़ाम को क्लियर ना करने का. आप जिस दिन से प्रिपरेशन करते हो, हाँ, उस टाइम से आप अगर डेडिकेटेड हो तो एग्जाम को क्लियर कर सकते हो. थैंक यू, ऑल द बेस्ट एवरीवन. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट.